दोस्तों, भागवत गीता की सत्यता का प्रमाण कोई और नहीं आपके अनुभव देंगे एक बेहद सरल काम को करने के बाद, जिसे करने के बाद न केवल आपके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद और मोक्ष स्वाभाविक हो जाएंगे, बल्कि आपको पूर्ण विश्वास भी हो जाएगा कि भागवत गीता कोई काल्पनिक मनगढ़ंत रचना नहीं, भागवत गीता भगवान के ही अमृत वचन है। भागवत गीता को मैं भी पहले ऋषियों मुनियों द्वारा रचित भजन कविता ही समझता था, परंतु मुझसे अनजाने में एक ऐसा कर्म हो गया जो श्रीमद् भागवत गीता का सबसे अनमोल मंत्र था, जिसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं सामान्य ही समझता रहा, और एक समय ऐसा भी आया जब मैं स्वयं को भी पहचानने में भी असमर्थ हो गया था। ऐसे में भगवान की ही प्रेरणा से जब भागवत गीता को पहली बार यूट्यूब पर देखा सुना, तो भगवान के प्रत्येक वचनों पर भगवत प्रेम और कृतज्ञता से फूट फूट कर रो पड़ता था। आज मुझे याद भी नहीं कि किसी भी दुख अथवा पीड़ा से कब रोया था, शायद बचपन में, परंतु भगवत प्रेम में आतुर होकर अथवा किसी दूसरे को दुखी या रोता देखकर कब रो पड़ू, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि श्री भागवत गीता के इस दिव्य वचन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज को अपने असंख्य अनुभवों के माध्यम से सत्य सिद्ध पाया। इसी कारण मैंने समाज सेवा की भावना से जीवन पर्यंत समर्पण भाव बांटने का संकल्प लिया है। आज भगवान की अनन्य कृपा से सुख दुख की वृत्तियों और कामनाओं से मुक्त होने के बावजूद मुझमें एक अमिट कामना है, वो है आपके जीवन में भी शांति, प्रेम, आनंद और आत्मकल्याण देखने की कामना, क्योंकि मैंने भगवान से समर्पण की प्रार्थना करते समय जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना भी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री भगवान ने अनुभवों के माध्यम से पूर्ण रूप से सिद्ध करके दिखाया है कि किसी के हृदय को समर्पण भावना से भावित कर देने से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है, क्योंकि आपके सरल हृदय की एक ही पुकार के बाद यदि करुणा सागर आपका हाथ थाम लेते हैं, तो इससे बढ़कर उपलब्धि हमारे जीवन के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम अपने जीवन के जिन दुखों के बोध से पीड़ित होकर आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं, उन दुखों की वृत्तियों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और जहां तक बात करें मुक्ति अर्थात मोक्ष की, तो आपका हृदय स्वयं ही कहेगा, हे प्रभु, मुझे मुक्ति मोक्ष मत देना, जन्म पर जन्म देना और हर जन्म में अपने ही शरणागत रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री भगवान ने न केवल मेरी इच्छा के अनुसार मुझे स्वप्न में दर्शन दिया, बल्कि एक लीला के माध्यम से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा का संकल्प भी लेने के लिए विवश कर दिया था। केवल इतने ही शब्दों को लिखने में ही मुझे कई बार अपनी आंखों से बहते भगवत प्रेम और आनंद के आंसुओं को पोंछना पड़ा। आप सभी भाइयों बहनों से एक ही प्रार्थना है कि केवल एक दिन ही सही प्रातः स्नान के बाद अपने अंजलि में जल लेकर समर्पण के इस संकल्प को जरूर कीजिएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आपको सर्वोत्तम सहारा मानकर अपने इस अंजलि में समाये जल को साक्षी मानते हुए इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। यदि आप इतना कर लेते हैं, तो न केवल श्रीमद् भागवत गीता की सत्यता का प्रमाण आप स्वयं अपने अनुभवों में पाएंगे, बल्कि एक दिन आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में मैं आपका सेवक हूँ। सेवा का संकल्प लेने के नाते आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। जय श्री हरि।